महाराष्ट्र की सियासत में 2 जुलाई से पावर का खेल जारी है। वजह है एनसीपी के बड़े नेताओं में शुमार अजित पवार द्वारा किया गया राजनीतिक विद्रोह, और यही विद्रोहों का नतीजा था कि 5 जुलाई को यहां सबसे बड़ा सियासी ड्रामा चला। इस सियासी ड्रामे को पूरे देश ने देखा। देश ने देखा कि कैसे अजित पवार सीनियर पवार से पावर में भारी पड़े। इस दौरान दावा किया गया कि एनसीपी के ज्यादातर विधायकों ने अजित पवार पर भरोसा जताया है, तो वहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि शरद पवार के खाते में सिर्फ 15 से ज्यादा ही विधायक हैं। खैर, अब चाचा भतीजे की ये लड़ाई कानूनी बन चुकी है। चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि असली एनसीपी की पूरी कमान किस खेमे को दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सियासी गलियारों में एक खबर और फैली कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा देने वाले हैं। जैसे जैसे ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, ठीक वैसे वैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे के समर्थकों में मायूसी बढ़ने लगी और कार्यकर्ता कयास लगाने लगे कि क्या वाकई में सीएम शिंदे इस्तीफा देने वाले हैं। अपनी कार्यकर्ताओं में बढ़ते असंतोष को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने आनन फानन में विधायकों की मीटिंग बुलाई और कहा कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि उनको पता है कि ऐसी खबरें कौन प्लांट कर रहा है। वहीं मीडिया खबरों की माने तो बैठक के दौरान सीएम शिंदे ने अपने सभी विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने उनसे पूछा कि पिछले एक साल में क्या काम नहीं हुआ, साथ ही कहा कि वो विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए 5 विधायकों को नियुक्त करेंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो सभी विधायक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे ने आश्वासन दिया कि वो 15 दिन बाद यानी महीने में 2 बार सभी विधायकों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवसेना पार्टी सम्मेलन की घोषणा की जाएगी, जहां आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति की योजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिंदे के अलावा शिंदे गुट के नेता शंभूराजे देसाई ने कहा कि सीएम शिंदे के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों में कोई असंतोष नहीं है। शरद पवार की बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब उसका आकार छोटा कर दिया गया है। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी के मौजूदा हालात ये हैं कि एनसीपी के नाम व निशान पर दावे को लेकर अजित और शरद पवार दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। पहले शरद पवार गुट ने अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा आयोग के सामने करे तो आयोग शरद पवार पक्ष को भी जरूर सुने। इसके कुछ घंटों बाद अजित पवार गुट ने 40 से अधिक विधायकों और सांसदों और MLC के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोका। दूसरी तरफ शरद पवार गुट ने आयोग से गुहार लगाई कि कोई भी अगर एनसीपी पर अपने अधिकार और नाम निशान पर दावा करे तो आयोग उनकी दलीलें भी सुने। पवार गुट ने पार्टी में बगावत कर दल बदल करने वाले अपने विधायकों की जानकारी भी आयोग को दी। आयोग ने यह भी बताया कि सत्ताधारी गठबंधन में मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र के हालात एक साल पहले शिवसेना में फूट के दिनों को याद दिलाते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ ठीक ऐसा ही किया था और फिलहाल शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।